हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार और आपको वर्डप्रेस पे मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। अगर आपको मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाना है और पैसे कमाने हैं तो ये पार्ट नंबर टू है। पार्ट नंबर वन जरूर देखिएगा। मैं बताया था कि मूवी के लिए डोमेन नेम कैसे खरीदते हैं, कीवर्ड कैसे निकालते हैं और इस वीडियो में अपना अर्निंग प्रूफ भी दिखाए थे, पर डे $100 कैसे कमा सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में आपको एक वेबसाइट के बारे में बताएंगे जो काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है। कुछ दिन पहले बनाए थे, 20 या 15 या 20 दिन पहले, और काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। ये बेस्ट फ्री बैकअप प्लगइन आपको पता होगा वर्डप्रेस के लिए बेस्ट प्लगइन है। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी दिक्कत आती है, डेली का बैकअप लेते रहिए। अगर आपकी वेबसाइट बैन भी होती है तो आपका बैकअप रहेगा, जो भी आर्टिकल लिखेंगे, जो पोस्ट लिखेंगे वो आपका बैकअप रहेगा। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बैकअप से आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा और इसमें आपको जो प्लगइन बताएं उसको ज़रूर इंस्टॉल कर दीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे आपको छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप बिल्कुल नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देखिए, इस वेबसाइट के लिए मैं अभी होस्टिंग रिसेलर क्लब से यूज़ कर रहा हूँ। आप रिसेलर क्लब से होस्टिंग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लान है। अभी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी यूज़र जो है कि कंफ्यूज रहते हैं होस्टिंग कहाँ से लें, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने होस्टिंग में लॉगिन हो गया हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना होगा सप्टाकुलस ऐप्स इंस्टॉलर, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं लॉगिन कर लूँ, लॉग आउट हो गया। ये देखिए, लॉगिन करने के बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पर वर्डप्रेस पे जाना है। और यहाँ पे आने के बाद से एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मेरे पास आज की डेट में एक मैसेज भी आया है, आपको मैं दिखा दूँ। ये मूवी डाउनलोडिंग के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कीवर्ड से पा रहे हैं। 1 मंथ पहले वेबसाइट बनाए थे, ये ब्लॉगर पे बनाए थे, लेकिन हमने इनको बताया कि आप जो है कि मूवी डाउनलोडिंग का रिव्यू कीजिए, डाउनलोडिंग मत दीजिए, आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आएगा। और आप देख सकते हैं ये व्यू कैसे आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये भारत मूवी भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। अब इसमें डाउनलोडिंग कहीं नहीं है, लिंक आप देख सकते हैं, लेकिन रिव्यू है। अब यहाँ पे मूवी डाउनलोड लिखा है, अब इसमें अपनी इनकी ही पोस्ट ओपन हो जाएगी, तो यूज़र रीडायरेक्ट इसी में घूमता रहेगा और इनका व्यू जो है कि बढ़ता रहेगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से कुछ काम कर सकते हो, डाउनलोडिंग कीवर्ड यूज़ किया। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये देख सकते हैं डाउनलोड डाउनलोड, जैसे कि मैं टैग आपको सब कुछ बताएँगे ये। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम सी पैनल के अंदर लॉगिन हो गए हैं। और जो मेरा सेकेंडरी डोमेन नेम था, प्राइमरी तो आपको पता है यहाँ पर डेली एग्जाम डॉट एक्स वाई जेड है, और सेकेंडरी डोमेन नेम जो हमने गोडेडी से लिया है, आपको पता है मूवी डाउनलोडिंग से ऊपर मूवी डाउनलोड फ्री डॉट एक्स वाई जेड। तो अब आपको करना क्या है, जहाँ से आप होस्टिंग लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से हमने रिसेलर क्लब से होस्टिंग लिया है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको होस्टिंग लेना है। तो नेम सर्वर ऐड करने हैं, ये देखिए नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, ये दोनों कॉपी करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट में और सेकंड वाले को सेकंड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आना है गोडेडी DNS मैनेजमेंट के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद से यहाँ पर आपको कस्टम करना है, और कस्टम करने के बाद से यहाँ पर NS1 NS2 आप देख सकते हैं पेस्ट करना है और सेव करना है। हाँ, फिलहाल आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए आपको जाना है सी पैनल के अंदर। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है सप्टाकुलस, ऐड ऑन डोमेन करके हम लोगों ने ऐड भी कर लिया था, और यहाँ से आप देख सकते हैं सप्टाकुलस पे आना है, वर्डप्रेस पे जाना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है जिस पर इंस्टॉल करना है। अगर आपका HTTPS फ्री है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। इस पर बाहर क्लिक करेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे दिखाई देगा फाउंड या फिर नॉट फाउंड का ऐसे मैसेज आएगा। तो अभी मेरा एक्टिवेट है, आप देख सकते हो। उसके बाद से मैं ये इन डायरेक्टरी को ब्लैंक करना है और नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट आने के बाद से देख सकते हैं यहाँ पर आपको वर्जन 5.2.1 है जो लेटेस्ट वर्जन है, और ये डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। अब आप अपने ब्लॉग का टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे आने के बाद से सेटिंग बताएं, पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिए। ये यूजर नेम आप अपना नाम या फिर कुछ भी रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एडमिन रख रहा हूँ, और यहाँ पर एडमिन रख रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पर पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं अपना, मैं यहाँ से जनरेट लिख देता हूँ, और मैं अपना यहाँ पर लिख देता हूँ ओके। पासवर्ड होने के बाद से अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दें। एडवांस पे क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शन मिलेंगे,
क्योंकि आपको ब्लैंक ही करना है, जैसे कि डाटाबेस का नेम हो गया, ये सब अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। और फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, पार्ट टू काफ़ी लेट से बन रहा है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, कुछ एग्ज़ाम देने आए थे आउट ऑफ सिटी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया एक दो दिन। तो फिलहाल आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया वेबसाइट नेम सर्वर। अगर हमारा एक्टिव हो गया होगा तो ये वेबसाइट ओपन होने लगेगा। अभी आप देख सकते हो वेबसाइट लाइव हो गया, हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। अब इसमें जो टाइटल वगैरह है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। थीम कौन सा यूज़ करना है मोबाइल के लिए या फिर आपके कंप्यूटर के लिए, जो मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट है उसमें थीम कौन सा यूज़ करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। बस बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। काफ़ी ईमेल भी आए थे पार्ट टू कब आ रहा है, पार्ट टू कब आ रहा है, तो मैं ये वीडियो बना दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे क्लिक करके आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे आप जो है कि इसमें थीम डालोगे और कैसे एक्टिवेट करोगे। आप देख सकते हो यहाँ से डैशबोर्ड ओपन हो गया वर्डप्रेस का। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट